यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। तो कल तक अपन ने कर लिया था पेज नंबर 103 का जो लास्ट केस स्टडी था। ऐसे 550 तक अगर मैं बोलूँ तो अपना हो गया है क्वेश्चंस। विच क्वेश्चंस वी वर टारगेटिंग मेनली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस जो न्यू है, प्लस जो ये इंटीग्रेटेड केस स्टडी है, राइट? तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस अपन कल टारगेट करके ऑलमोस्ट ऐसे 550 तक कर लिए थे। आज अपन क्विकली फटाफट से क्या करेंगे, बाकी ऐसे 560 जो अपना पेंडिंग भी है सच, जो मेरे को कराना है तो वो मैं तुरंत करवा देता हूँ अभी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर 570 से रिलेटेड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग या केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एक बार करके, एंड देन तुम लोग एक बार मेरे को बोले थे ऐसे 540 बहुत ज़्यादा तुम्हारा जंबल्ड अप हो गया है, मतलब रिटेन नहीं हो पा रहा होगा या एज सच कॉन्सेप्ट में कुछ होगा दिक्कत, तो अपन देखेंगे उसको भी आज। तो ये होमवर्क कर लिया हो गया तुमने जो कल मैंने दिया था लास्ट? हाँ, कोई डाउट है इसमें ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड वाले क्वेश्चन में, अच्छा एमसीक्यू? उसमें नहीं है, लेकिन जो 101 वाले पेज पे थर्ड एमसीक्यू है ना, 101 वाले पेज में थर्ड एमसीक्यू, इफ द नहीं थर्ड, ओके। हाँ उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग पूछा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग, तो कल अपन ने ये क्वेश्चन थोड़ा सा रीड किया था, याद है होगा, अगर भरोसे लाल वाला, तो भरोसे लाल का डोमिनेंट पर्सनालिटी थी, इन्फ्लुएंस कर रहा था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, TCWG में, अपने फॉरेन पार्टनर को घुमा फिरा के दारू वारू पिला के। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द गिवन सिनेरियो विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग फॉर ऑडिटर, ऑडिटर के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या होगा, आउट ऑफ ऑल द फोर विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल थी उसकी, किसकी, माया की, उसके वाइफ की, देन ऑडिटर के लिए इसके अलावा बात देखने लायक थी, अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स टू सिफॉन ऑफ द फंड्स, ये तो हुआ ही था ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था प्रॉपरली, और अपन को समझ में आ रहा था ऐसे 50 ट्रिगर भी हो रहा था, अपन ने पूरा ऐसे 50 का गाइडेंस भी दिया था, फाइनेंशियल क्रंच तो था ही उसका, किसका, अपने भरोसे लाल का, एंड डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओनर्स। तो मुझे उसमें डी लग रहा था, बट आंसर बी है। हाँ, आंसर बी होना, मेरे को भी यही लग रहा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग फॉर ऑडिटर क्या होगा, तुम अगर देखोगे तो ऐसे तो चारों ही चीज रेड फ्लैग है, ऐसे तो चारों ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, बट तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे 50 के तहत तुमको ये बोल रहा है कि क्या, कि तुमने जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं दिखाई है और जिसके कारण तुम सिफन ऑफ कर रहे हो फंड्स, अगर ऐसा हो रहा है तो ये फ्रॉड के लिए भी इंडिकेशन है, इसलिए मोर इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग हो जाता है। दूसरा, तुमने अगर दिखाया ही नहीं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन था और तुमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो इससे तुम्हारी मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी भी हिट हो जाती है, तुम उस पर अब ज्यादा रिलायबल नहीं बन सकते हो, तुम्हारा क्या इम्पैक्ट आएगा तुम्हारे रोमम पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी तुम्हारा बढ़ जाएगा, अपन ने पढ़ा था ना पूरा ऐसे 550 में, कि अगर नहीं दिखाया तो हमको मैनेजमेंट से और पूछना पड़ेगा कि भैया और भी ऐसे कोई अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन है क्या, और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा तुम्हारे रोमम पे। तो ये बहुत सारे चीजों को ट्रिगर कर रहा है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज सच आउट ऑफ ऑल द फोर तुम देखोगे तो, और सिफन ऑफ द फंड में तुम्हारे फ्रॉड का तो एंगल जा ही रहा है ऐसे 240 का। हाँ सर, और कोई डाउट? ये वाला फोर्थ वाला देख लिए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, अपन ने देखा था फ्रॉड रिस्क फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता था, इवेंट्स और कंडीशंस डेट में का सिग्निफिक, और सॉरी, इवेंट्स और कंडीशंस डेट लीड टू व्हाट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, राइट? तो ये सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं, तो उसमें से अपन ने देखे थे तीन फ्रॉड रिस्क फैक्टर, रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, अपॉर्चुनिटी टू डू सो, एंड इंसेंटिव या प्रेशर तुमको आ रहा है तो ROI, एंड इसमें चार दिए ऑप्शन इन्होंने, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओनर, ठीक है, भरोसे लाल का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस था, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, ये किसमें आएगा बताओ, ROI में से किसमें आएगा,
एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जो है वो आरओआई में से किस में आएगा, रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट में आएगा, अपॉर्चुनिटी टू डू सो में आएगा, या इंसेंटिव या प्रेशर में आएगा। कल ही तो देखे थे, इंसेंटिव या प्रेशर? इंसेंटिव या प्रेशर में आएगा, राइट? प्रेशर है ना, तुमको एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल अपनी माया की मेंटेन करनी थी। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड रिस्क ड्यू टू द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये भी कल अपन ने देखा था, रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड है टुवर्ड्स द मैनिपुलेशन, मिस अप्रोप्रिएशन एंड देन फ्लोटिंग ऑफ न्यूज एसपीवी इटसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर पूछा है, तो क्या लिखा तुम लोगों ने, फ्लोटिंग ऑफ न्यू एसपीवी इटसेल्फ। हाँ, क्या लग रहा है आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का? बोलो कियो कि नहीं कियो होमवर्क, बोलो भाई। फ्रॉड रिस्क फैक्टर अपन ने देखा था ना, मैंने तुम लोग को इतने सारे एग्जांपल पढ़ाए थे ऐसे 240 में, उन्हीं एग्जांपल्स में से इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा तुमको लग रहा है कि नॉट अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर? फ्रॉड रिस्क फैक्टर याद नहीं क्या? आरओआई, रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, अपॉर्चुनिटी टू डू सो, इंसेंटिव या प्रेशर है। तो क्या लग रहा है तुमको ऑप्शन कौन सा लग रहा है, फ्लोटिंग ऑफ अ न्यू एसपीवी इटसेल्फ, या फ्रॉड रिस्क ड्यू टू द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री? फ्रॉड रिस्क ड्यू टू द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, तो रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट में तुम देखोगे तो तुमको फ्रॉड रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ द इंडस्ट्री दिख सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन फ्लोटिंग ऑफ अ न्यू एसपीवी इटसेल्फ इज हाउ इटसेल्फ बिकम अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। समझ में आ रहा है क्या कि डाउट है तुम लोगों को? मतलब तुम लोगों ने मान लो कोई नया एंटिटी इस्टेब्लिश की है जस्ट टू कैरी आउट जॉइंट वेंचर बिजनेस, जहां पे तुम्हारा फॉरेन पार्टनर होगा एक, ठीक है, और मैं रहूंगा, राइट? एंड हम दोनों एक जॉइंट वेंचर एंटिटी स्टार्ट किए, विच इज दे टोल्ड एस व्हाट, एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्होंने लगाई थी। तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पर्पस व्हीकल फ्लोट करना एक खुद में फ्रॉड रिस्क फैक्टर थोड़ी ना हो जाएगा, यस और नो? अरे हाँ कि ना भाई, सो रहे हो क्या, सब लोग नींद में हो? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट था इसमें? ये वाला भी होमवर्क था और लास्ट वाला भी होमवर्क दिया था ना मैंने जाते। साउंड नहीं आ रही क्या? तो ऐसे 550 यहां तक का जो था अपना, अभी तक का रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट स्टिल मिल जाएगा वो अपने को। अभी बताओ ये लाइन जो मैं तुमको बोला ये पढ़ के बताओ, व्हेन लॉ और रेगुलेशन और एफआरएफ डज नॉट प्रोहिबिट मैनेजमेंट फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट ऑफ एफएस टू द इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऑडिटर इज परमिटेड टू रिस्ट्रिक्ट द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स टू दैट अमेंडमेंट। क्या मतलब है इसका? हाँ बोलो, क्या लग रहा है इसका मतलब? मीनिंग सिंपल सा है, पढ़ो और बताओ। रेगुलेशन जो है मैनेजमेंट को परमिट करता है कि नया फाइनेंशियल अमेंडेड फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है इशू करने को, तो हम अपनी जो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे एविडेंस के लिए वो उस पे अपना जो है प्रोसीजर अप्लाई करके नया ऑडिट अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। लॉ रेगुलेशन परमिट करता है तो बात ही नहीं है, वो तो तुम नॉर्मली भी दोगे ना। मतलब मैनेजमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप जो है चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैनेजमेंट तो अपन ने डिटरमाइन किया ही ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने की जरूरत है, तो
तो मैनेजमेंट कर रही है, कुछ और मीनिंग है, एक बार वापस से रीड करो। अभी अपन ने ऊपर में बात भी करी इसके ऊपर में, अगर लॉ रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करते अमेंडमेंट के लिए, तो फिर मैनेजमेंट मतलब कितना कुछ अमेंडमेंट करती रहेगी। तो इसके लिए हमारी ऑडिट प्रोसीजर, हम टू द एक्सटेंट द अमेंडमेंट डन, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सारा कुछ करना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपन ऑडिट प्रोसीजर टू द अमेंडमेंट, नहीं टू दोज अमेंडमेंट व्हिच इज पर्टेनिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो ये अपन ऑडिट प्रोसीजर किस पे लगाना चाह रहे हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के कारण जो अमेंडमेंट हुए हैं, राइट? सही बोल रहे हो एकदम। क्या बोले वृंदा ने कि भाई ऑडिट प्रोसीजर अपन किस पे लगाएंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के कारण जो जो अमेंडमेंट आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपन अब चेकिंग वगैरह करेंगे, टीओडी या तुम्हारा एसएपी वगैरह जो भी तुम्हारी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज सच। लेकिन भाई मैनेजमेंट हो सकता है कि और भी अमेंडमेंट कर ले, मैनेजमेंट हो सकता है कुछ और भी अमेंडमेंट्स करे अदर देन सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब मैनेजमेंट अमेंड कर ही दिया तो लगे हाथ में ये भी कर दूं बोलेगी, तो अपने को राइट है कि क्या कि अपन सिर्फ वही अमेंडमेंट्स पे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करे जो सब्सिक्वेंट इवेंट के कारण अमेंडमेंट्स हुआ है, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के कारण अमेंडमेंट हुआ है, ना कि सारे अमेंडमेंट जो किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बाय दी मैनेजमेंट। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर लॉ रेगुलेशन या एफआरएफ प्रोहिबिट नहीं करते मैनेजमेंट को कि भाई तुमको, मैनेजमेंट को बोल रहा है कि लॉ में कोई प्रोहिबिशन नहीं, तुम और मैनेजमेंट बिन चाहे और भी अमेंडमेंट अगर कर रही है उस केस में, फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट ऑफ एफएस टू द इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। अगर लॉ रेगुलेशन में ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है कि भैया तुम सिर्फ इतना ही अमेंडमेंट कर सकते हो जितना सब्सिक्वेंट इवेंट के कारण हो रहा है, तो दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर, और मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा कुछ अमेंडमेंट करती है, तो अपन है अपन क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट वाले अमेंडमेंट पे ही लगाएंगे, ठीक है? ऐसे अमेंडमेंट पे लगाएंगे जो सब्सिक्वेंट इवेंट के कारण अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो एडिशनल डेट डाल सकते हैं अपन, रिस्ट्रिक्टेड टू डेट अमेंडमेंट, अमेंड करेंगे अपन ऑडिट रिपोर्ट और उसमें डालेंगे कि भैया ये दिन तक तो नॉर्मल ऑडिट हमारी हमारी हो चुकी थी, इसके बाद हमने एक और ऑडिट रिपोर्ट की डेट डाली है, उसको चेंज किया है और ये दिन के बीच से लेकर ये दिन तक हमने सिर्फ जो सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट हुई है उसमें ऑडिट की है, उसी के ऊपर हम ऑडिट ओपिनियन दे रहे हैं हमारा। इसके अलावा तुम एक अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट और इशू कर सकते हो जिसमें ईओएम या ओएमपी पैरा इंक्लूड करोगे, एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा या अदर मैटर पैरा। मैंने तुमको बताया हुआ है पहले भी ईओएम पैरा या अदर मैटर पैरा क्या हुआ करता था, राइट? ईओएम पैरा या ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डिस्क्लोज है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड विच इन द ऑडिटर्स ओपिनियन इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू द इकोनॉमिक यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अदर मैटर पैरा ऐसे मैटर्स होते थे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज नहीं है लेकिन ऑडिटर की नजर में ऑडिट से रिलेटेड है या ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड है या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, और ऑडिटर की नजर में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अटेंशन में लेके आना ये बातों को, तो वो बातें अपन कहाँ डालते हैं, ओएमपी पैरा में। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड बातें आ रही ना, तो इसको तुम जनरली कहाँ डालोगे, ओएमपी पैरा में डालोगे। और अगर मान लो ये मैटर कौन सा मैटर है, ये मैटर वो मैटर है जो तुम नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सब्सिक्वेंट इवेंट के कारण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हुआ है उससे रिलेटेड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम नोट्स डाला होगा, मान लो मैनेजमेंट ने भैया कोई अमेंडमेंट आया, मान लो सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम नोट्स टू अकाउंट में डालेगी ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट डालेगी, तो ईओएम पैरा क्या होता था, जो कि ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है इन द नोट्स टू अकाउंट, लेकिन मैं चाहता हूँ एज एन ऑडिटर कि मैं उसको एम्फोसाइज करूँ, तो मैं बोलूंगा यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि जाओ नोट 16 देखो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया। तो इस केस में ईओएम पैरा भी आ सकता है, अदर मैटर पैरा भी आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ईओएम और ओएमपी दोनों क्यों बोला, दोनों ही ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट है तो तुम या तो ईएम में डाल दो या तो ओएमपी में डाल दो, दोनों का अलग अलग पर्पस है और दोनों ही ट्रिगर हो सकते हैं यहाँ इस केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोजर भी तो करोगे, जो तुम्हारा अमेंडमेंट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्यू टू सब्सिक्वेंट इवेंट उसका हो सकता है तुम नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करो, और ऑडिटर को अगर लग रहा है कि वो नोट्स टू अकाउंट्स को मैं हाईलाइट करूँ तो वो कहाँ डालेगा, ईओएम पैरा में डालेगा। और अगर ऑडिटर को लग रहा है कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड बातें, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बातें उसको बतानी जरूरी है टू द यूजर्स ऑफ एफएस, तो वो बातें वो वाली बातें जो कहाँ डालेगा, अदर मैटर पैरा में। क्लियर है क्या? इसके बाद बोलते हैं अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर तुमको मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन।
या फिर नोटिफाई करो मैनेजमेंट को और TCWG को कि नॉट टू इशू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द थर्ड पार्टीज, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट रिलायबल. तुम मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे हो, अमेंड ही नहीं कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो या तो मॉडिफाई कर दो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को, या जो मैंने ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट, देखो हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट मैंने अभी तक तुमको नहीं दी है. क्या मैंने ऑडिट रिपोर्ट डेट डाल दी है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट अभी तक किसको, मैनेजमेंट को नहीं दी है. मैनेजमेंट ये ऑडिट रिपोर्ट से बेसिस में एनुअल रिपोर्ट नहीं बना पाएगा. ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, तो मैनेजमेंट अब एनुअल रिपोर्ट नहीं बना पाएगा, मतलब एनुअल रिपोर्ट दे ही नहीं पाएगा. तो कुल मिला के मैंने अभी तक अगर ऑडिट रिपोर्ट तुमको नहीं दी है मैनेजमेंट को, तो मैं क्या करूंगा कि भैया मैनेजमेंट तुम अगर नहीं कर रहे हो अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ लेकिन मॉडिफाई कर दूंगा, ओपिनियन मॉडिफाई कर दूंगा. दो अब दो एनुअल रिपोर्ट में डालो, मेरे को क्या दिक्कत है, ठीक है मॉडिफाई कर दूंगा ओपिनियन. या फिर दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर दी है, ऑडिट रिपोर्ट डेट साइन वगैरह करके ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे दी है, और अब मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि हम तो नहीं करने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड, हम एनुअल रिपोर्ट में ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये डाल देंगे. तो इस केस में मैनेजमेंट को बोलो कि नहीं नहीं भैया ये जो एनुअल रिपोर्ट तुम डाल रहे हो इसको इशू मत करना पब्लिक को, ये पब्लिक को इशू मत करना, ये जो ऑडिट रिपोर्ट दी है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको नहीं लगते उतने रिलायबल है. एंड इफ मैनेजमेंट स्टिल अगर वो इशू कर दी उसके बावजूद, तो ऑडिटर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, पब्लिक को रिलाय ना कर पाए, पब्लिक रिलाय ना कर पाए वो एनुअल रिपोर्ट पे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पब्लिक रिलाय ना कर पाए, इसके लिए ऑडिटर जो एक्शन ले सकता है वो लेगा, नोटिफिकेशन डालेगा, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा या सच न्यूज़पेपर में, जो भी उसको एक्शन लेनी है सो एज टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर द केस नंबर टू. केस नंबर टू में क्या कर रहे, सिंपल है, पहली बात तो बोल दिया मैंने कि तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्ट पता चलता है जो कि अगर तुमको पहले पता चल जाता तो तुम अपनी ऑडिट रिपोर्ट ही अमेंड कर देते, तो उस केस में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भैया डिस्कस करो मैटर को मैनेजमेंट के साथ, डिटरमाइन करो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने की जरूरत है क्या, और अगर हाँ तो क्या मैनेजमेंट अमेंड कर रही है क्या, नहीं इंटेंशन है क्या है मैनेजमेंट का. और दो केस हो सकते हैं, या तो मैनेजमेंट अमेंड करेगी या तो मैनेजमेंट अमेंड नहीं करेगी. सिंपल है, अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करी और तुमने ऑडिट रिपोर्ट अभी तक तुमने मैनेजमेंट को नहीं दी है, तो भैया ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करके दे दो, ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करके दे दो. लेकिन अगर तुमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी होगी मान लो, तो ऑडिट रिपोर्ट अब तुम मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, तो उस केस में मैनेजमेंट को बोलो कि ये ऑडिट रिपोर्ट के साथ एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू मत करना पब्लिक को. लेकिन अगर मैनेजमेंट फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानी और इशू कर दी, तो उस केस में तुमको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा, सो डेट यू मेक अवेयर द पब्लिक नॉट टू रिलाय ऑन सच एनुअल रिपोर्ट, नॉट टू रिलाय ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दूसरा केस अपन ने जो सबसे पहले डिस्कस किया कि अगर मैनेजमेंट अमेंड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो इन दैट केस यू विल हैव टू एक्सटेंड योर ऑडिट प्रोसीजर टू द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तुम एक नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो या फिर वही ऑडिट रिपोर्ट को ही एक्सटेंड कर सकते हो डेट को, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास. और FRF अगर प्रोहिबिट नहीं करते तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ वही ऑडिट प्रोसीजर उतने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडमेंट पे लगाएंगे जो कि अमेंडमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट के कारण हुआ है. एक बार अब ये वाला जो थर्ड केस है ये क्विकली रीड करो, केस थ्री जो है अपना, डेट इज आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड, इशू हो गया ऑडिट रिपोर्ट और सब्सिक्वेंट इवेंट, ऐसा इवेंट पता चला है जिसके कारण अगर ये मुझे पहले पता चलता तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट कुछ और देता, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करता, या तो मैं UM पर डालता या OMP पर डालता या अपनी मॉडिफाई करके देता, कुछ ना कुछ तरीके से मैं अपनी अमेंड करता ऑडिट रिपोर्ट को. तो ये पूरा केस एज इट इज है, तुमको सेम डिस्कस करना है मैटर को, ठीक है देखना है कि क्या अमेंडमेंट करना है कि नहीं मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और क्या मैनेजमेंट का इंटेंशन है क्या. यहाँ तक बातें सेम है, यहाँ तक सेम बातें. इसके बाद अगर मैनेजमेंट अमेंड करता है तो क्या बातें आएगी, और मैनेजमेंट अमेंड करता है नहीं है तो मैनेजमेंट अमेंड करने की बात ही नहीं आती यहाँ पे. एक बार क्विकली रीड कर लो ये बात, तुमको मोटा मोटी सेम टू सेम मिलेगा. 1, 2, 3 पॉइंट नंबर 1, 2, 3 EOM OMP पैरा वाला वापस बता रहा हूँ, सिंपल है सतीश. देखो मैंने क्या बोला, EOM पैरा अपन कब डालते हैं, जब ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटर डिस्क्लोज्ड है, ठीक है डिस्क्लोज्ड है, ऐसे मैटर्स विच आर ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, ऑडिटर के ओपिनियन में ये जो मैटर डिस्क्लोज्ड है टू द फाइनेंशियल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी made aware about these matters which are already disclosed in the FS. और OMP पैरा मैंने क्या बताया कि ये वो matters नहीं है, matters are not disclosed in the financial statement. ये matter financial statement में disclosed नहीं है, लेकिन ये auditor के नज़र में बहुत बहुत important है, क्योंकि या तो ये audit report से relate करता है, या तो auditor के opinion से relate करता है, या खुद auditor की responsibility से relate करता है, ठीक है.
तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये तीन बातों से अगर कोई मैटर तुमको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स जो है उनको पता चलनी चाहिए ये बातें, तो वो तुम बातें कहाँ डालते हो? ओएमपी पैरा में। तो अब अगर तुम्हारा सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहा है तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमेंड कर रहे हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर रहे हो तो इससे रिलेटेड तुम नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है तुम्हारा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां पे कुछ नोट भी इंसर्ट कर सकते हो कि भैया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आ गई, या जो भी तुम्हारा नोट है उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर कर सकते हो। तो क्या ये मैटर ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस। और क्या ये इंपॉर्टेंट भी है टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस। अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है तो हाँ, वो क्या करेगा, ईओएम पैरा में डालेगा, एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा। लेकिन अगर ये वाली बातें डिस्क्लोज नहीं करनी उसको, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसको बताने की भैया ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, इसमें ये जो नया वाली ऑडिट रिपोर्ट डेट है, जो न्यू डेट है, नई वाली डेट है, उसमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ वही मैटर से रिलेटेड है, वो सिर्फ वही अमेंडमेंट से रिलेटेड है जो कि क्या है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट के कारण अमेंड हुए थे, सब्सिक्वेंट इवेंट के कारण। तो ये तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फसाइज करवा रहे हो, तुम अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताना चाह रहे हो कि पहले अलग था, ये मैटर में अलग हो रहा है। तो उस केस में तुम ये तीन बातों से रिलेटेड अगर कुछ बातें बताते हो तो वो कहाँ बताते हो? ओएमपी पैरा में बताते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार अगर हो जाते तो। वही सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे, ऐसा वही ऐसे पूरा वही है जो अभी अपन ने जस्ट किया मोटा माटी, वो तीन ही इसमें इम्पोर्टेंट। लास्ट लास्ट पॉइंट में ये हाँ लिखा है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट और ईओएम पैराग्राफ होना हम्म, चाहिए अमेंडमेंट वाला, तो उसमें ओएम तरह नहीं लिखा, तो इसका कोई लॉजिक है क्या फिर? इन द अमेंडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ईओएम पैराग्राफ रेफरिंग टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्कस द रीजंस ऑफ अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इंक्लूडेड। तो ओएमपी पैरा अगर तुमको लग रहा है ऑडिटर रिपोर्ट, तो तुम ऑडिट रिपोर्ट नई वाली दे आ रहे हो लेकिन बाद में दे रहे हो ना, ठीक है, उसमें यूएम ओएमपी डाल सकते हो। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बात किसकी के रिलेटेड कर रहे हैं? वही कि जो तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो तुमने नया नोट डाला है वो नोट का अगर तुमको एम्फसाइज करवाना है तो तुम ईओएम पैरा डाल सकते हो, ओएमपी पैरा भी डाल दोगे अगर वो ओएमपी पैरा तुम्हारे ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है तो वहां पे भी आ जाएगा सेकेंड केस में भी। ओके सर। क्या इंक्वायरी करोगे तुम मैनेजमेंट से ताकि तुमको पता चल पाए कि सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या कोई? क्या इंक्वायरी करोगे तुम मैनेजमेंट से ताकि तुमको पता चल पाए कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या? तो सिंपल है ये, बैलेंस शीट के ना आइटम के बारे में इंक्वायरी कर लेंगे। क्या बोले? बैलेंस शीट के हर आइटम के बारे में इंक्वायरी कर लेंगे। किस बैलेंस शीट आइटम? बैलेंस शीट आइटम लाइक बोरोइंग्स, क्या कोई नया बोरोइंग, क्या डिबेंचर इशू किया क्या कंपनी ने, या कोई कैपिटल रेस किया क्या, या कोई नई लाइबिलिटी आई अराइज हो गई क्या जिसके तहत प्रोविजन बनाना पड़े? और मोस्टली कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऐसा कुछ रहे तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कॉन्टिजेंट एसेट्स। स्पेसिफिकली थोड़ा और क्या रहेगा मतलब उसके अंदर क्यों आ सकती कंटिन्जेंट लाइबिलिटी, ये सब देखना पड़ेगा ना। वही कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, स्पेसिफिक इंक्वायरी तुम क्या करोगे और क्या सोच सकते हो बोलो एक बार। जो तुम्हारी कंटिन्जेंट लाइबिलिटी है क्या उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ है क्या, क्या कोई नया अपडेट आया क्या जिसके कारण मुझे कंटिन्जेंट लाइबिलिटी से हटा के हो सकते हैं प्रोविजनिंग बनाना पड़े, उसका प्रोविजन करना पड़े? क्या तुमने कोई नई बोरिंग, जो तुम बोल रहे थे बैलेंस शीट आइटम लाइबिलिटी साइड बोरिंग तुमने इशू किया क्या, कोई नया बोरिंग लिया क्या, या कोई नया कैपिटल इशू किया क्या? सिमिलरली एसेट साइड में भी जा सकते हो, क्या तुम्हारा कोई एसेट तुम्हारे
तुमने राइट ऑफ किया, या तुम्हारा कोई एसेट गवर्नमेंट ने उठा लिया क्या, या तुम्हारा कोई एसेट जल गया क्या, तुम्हारा एसेट कोई लॉस हो गया क्या? और सिक्स पॉइंट देखना ही हुआ, कौन सा सिक्स पॉइंट। 6 पॉइंट, whether any unusual accounting adjustments have been made or are contemplated. तो अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स जनरली कब होगे? अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जनरली अगर मैं बोलूँ तो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड मतलब पीरियड एंड जो है तुम्हारा मार्च में जनरली होंगे, और अब तुमको ये लग रहा है कि अनयूजुअल एडजस्टमेंट है। अनयूजुअल एडजस्टमेंट यानी तुम्हारा हो सकता है समझो कि तुमको लग रहा है कि एडजस्टमेंट एज सच ये जो जाना चाहिए था ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था, लेकिन तुमने उसको एडजस्ट करके कैपिटलाइज कर दिया, जैसे कि अपन ने देखा था पहले भी एग्जाम्पल्स, या तुम्हारे हिसाब से कुल मिला के कुछ भी बात हो सकती है जो कि अनयूजुअल है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो ये इंक्वायरी तुम ले सकते हो। इसके अलावा ये तो हो ही गया कि ये फिर मैनेजमेंट जस्टिफाई करेगी कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट है एज सच, तो हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रिगर कर रहे हैं एंड प्रोविजन भी बना रहे हैं। तो ये जो प्रोविजनिंग कर रहे हो तुम, एडजस्टमेंट कर रहे हो, अचानक से कोई नई एडजस्टमेंट दिख रही है तुमको, कोई नया प्रोविजन किया है मैनेजमेंट ने, या फिर नया एडजस्टमेंट किया है जहाँ पे तुमको लग रहा है कि 4% प्रोविजन बनाना चाहिए था लेकिन मैनेजमेंट ने 10% बनाया है, तो 10% ज्यादा अगर बनाया है तो जरूर कोई इवेंट उनको पता होगा जो ऑकर हुआ होगा बाद में आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड, जो हमको नहीं पता चला। तो तुम उस केस में फिर पूछ सकते हो कि भैया हमारे हिसाब से तो 4-5% काफी है, तुम इतना ज्यादा प्रोविजनिंग क्यों किए हो, तुम 50% प्रोविजन क्यों बना दियो, 10% काफी था, 50% प्रोविजन क्यों बना दियो खर्चे का। तो उस केस में फिर हो सकता है मैनेजमेंट हमको बताएगी, पता चलेगी। तो कुछ अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है तो वो तुमको यहाँ पे कंटेम्पलेट करना है, थिंक करना है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिसको तुम एक बार ओवरव्यू कर सकते हो। सिंपल है, अगर मैं बोलूँ तो बैलेंस शीट आइटम्स हो गए तुम्हारे, बोरिंग्स हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, एसेट्स हो गए तुम्हारे, एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया क्या, एसेट बिक गए क्या, एसेट गवर्नमेंट ने उठा ली क्या, या फायर में जल गए क्या, कोई कंटिजेंसी में कोई न्यू डेवलपमेंट है क्या, या तुम्हारे क्या हो गए अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बात आ जा रही है क्या। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग का पढ़ो एक बार क्वेश्चन, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन पढ़ो यहां तक और आंसर बताओ क्या लग रहा है तुम्हारे हिसाब से। हाँ बोलो 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 ट्विंकल। कर चुकी है तो वो कंडीशन एग्जिस्ट करे बैलेंस शीट डेट में, भले ही वो उसका क्लेम बाद में सेटल हो रहा है आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट बिफोर द इशू ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट वो हो जा रहा है, तो हम 45 लैक्स की जो फ्रेश मतलब जो न्यू हमको मिला है वो हम एडजस्ट करेंगे फाइनेंशियल ठीक है। स्टेटमेंट। और ये कौन से इसमें आ रहा है, केस 1 में आ रहा है अपने, या केस 2 में फॉलो हो रहा है, या केस 3 में फॉलो हो रहा है? सर ये केस 2 में केस फॉलो टू है। केस केस टू सर कैसे? ऑडिट रिपोर्ट हो गई क्या इश्यू? ऑडिट रिपोर्ट डेट ऑडिट रिपोर्ट डाल दिया अपन ने। सर ये केस 1 में आ रहा है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं हुई है।
ऑडिट रिपोर्ट तो दिए नहीं ना अपन ने, जस्ट फिनिश्ड, ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है ना, जस्ट फिनिश्ड द सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा ये बोलते हैं तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड है ये पॉइंट, तो प्रपोज डिविडेंड तुमको पता होगा, प्रपोज डिविडेंड मतलब जो बोर्ड प्रपोज करती है डिविडेंड को, तो जो बोर्ड प्रपोज कर रही, सपोज डिविडेंड प्रपोज कर रही 15 मई को, ठीक है, बोर्ड मीटिंग किए और पूरे फाइनेंशियल भर के लिए जो बोर्ड मीटिंग है, सॉरी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो डिविडेंड है वो बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया गया बाय ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये तुमको पता होगा जो प्रपोज है वो प्रपोजल कहा जाता है फिर एजीएम में, डिविडेंड प्रपोज किया हुआ, और जहाँ पे शेयर होल्डर्स कैन देन अप्रूव द डिविडेंड विच इज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड है क्या इससे रिलेटेड भी मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करना चाहिए क्या, ये तो तुमको पता होगा। हाँ नहीं करना चाहिए सर, नहीं करना चाहिए राइट, ये पहले किया करते थे, एडजस्टिंग इवेंट हुआ करता था बहुत पहले 2017 के पहले, मेरे को याद है क्योंकि जो मेरा आईपीसीसी अटेम्प्ट था उसमें ही चेंज आया था ये। तो जो प्रपोज डिविडेंड है उसको एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जो कि बाद में हो रहा है, ठीक है, और ये अपने को पता भी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड देने वाले है भी या नहीं है, तो पहले एडजस्ट करते थे क्योंकि भैया ये पूरे फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, अगर तुमको पता है कि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को ही हम मान लेते थे कि हाँ सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टेड, लेकिन अब ऐसा नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो भी क्या हुआ, डिविडेंड बांटना या ना बांटना वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है, एंड अकॉर्डिंगली बोर्ड अगर डिविडेंड बांटती है प्रपोज डिविडेंड तो वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ऑल्दो उसका डिस्क्लोजर तुमको जरूर जरूर से करना है, कहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर तुमको जरूर करना है, नोट्स टू अकाउंट में या अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में, दैट इज बोर्ड रिपोर्ट में तुम कर सकते हो इन केस यू आर फॉलोइंग एएस, और अगर तुम इंडेस करते हो तो जनरली नोट्स टू अकाउंट में प्रपोज डिविडेंड को डिस्क्लोज करते हो। ठीक है, तो ये भी एक बार रीड कर लो, सिंपल सा है। उसके बाद ये वाला तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बोलो सतीश, इसका आंसर कैसे लिखना रहेगा, पूरा इसका आंसर वो लिखना है तुमको, प्रपोज डिविडेंड जो है मैंने क्या तुमको अभी जैसे पूछा कि तुमको बताना पड़ेगा सब्सिक्वेंट इवेंट बताओगे एस पर एसएस 560, और सब्सिक्वेंट इवेंट तुम बताओगे यहाँ पे कि ये ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट है जो कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ऑल्दो इसका हम डिस्क्लोजर जरूर जरूर करेंगे, क्यों नॉन एडजस्टिंग है ये बताओगे, एंड देन तुमको ये भी बताना है कि ये कौन सा सब्सिक्वेंट इवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके ऑडिट रिपोर्ट वाला या फिर ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाला, ये भी तुमको बताना पड़ेगा कौन सा सब्सिक्वेंट इवेंट है ये। अकॉर्डिंगली अगर तुमको पूछता है कि ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा तो तुम फिर उस केस में अकॉर्डिंगली ये आंसर भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर कुछ नहीं पूछा यहाँ पे तो तुमको क्या पूछा यहाँ पे, Is there any responsibility thrust upon him as an auditor of the company? हाँ, तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो कि non-adjusting event है, therefore सिर्फ disclosure करने की अपन को check करना पड़ेगा कि management ने properly इसको disclosure किया है या नहीं किया। तो वही proper समझाओ पहले कि subsequent event क्या होते हैं, adjusting, non-adjusting बताओ, ये non-adjusting क्यों है बताओ, AS का reference डालोगे ही डालोगे, याद रखना हमेशा कौन सा AS, AS 4, और अगर इससे रिलेटेड प्रोविजन बनाना पड़े तो कौन सा रेफरेंस डालोगे, AS 29, इंडेस का रेफरेंस अगर मैं बोलूं तो इंडेस कौन सा डालोगे रेफरेंस, इंडेस 10, ये तीन का रेफरेंस आएगा तुम्हारे आंसर में। ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, एक बार क्विकली देख लो, एमटीपी मार्च 18 में आया था ये 5 नंबर के लिए। सैलरी और वेज पेबल जो चल रहा है अभी तक नेगोशिएशन में चल रहा है, कब, एज ऑन 31 मार्च 2017, लास्ट 2 ईयर से एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल नेगोशिएशन विच आर गोइंग ऑन ड्यूरिंग लास्ट 18 मंथ्स एंड कंक्लूडेड ऑन 30 अप्रैल को, तो बताओ क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है क्या, बोलो बोलो यस सर, एडजस्टिंग इवेंट है राइट, क्योंकि जो इवेंट सर्कमस्टेंसेस है दैट एग्जिस्टेड एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ये तो नेगोशिएशन कब से चली रहे ना, अब फाइनल हुआ 30 अप्रैल को,
तो उससे रिलेटेड जो भी तुमको पैसे देने हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन बनानी पड़ेगी तुमको एज ऑन 31 मार्च 2017। तो देखो ये आंसर जैसे दिया हुआ है एमटीपी का ही सजेस्टेड आंसर है, इससे तुमको आइडिया हो जाएगी सतीश सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में रेफरेंस देना है तुमको, फिर AS4 बताना है कि क्या कौन से इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं, कि कब उनका हम एडजस्टमेंट करते हैं कब एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, एज पर AS29 तुमको प्रोविजन बनाना पड़ता है ये बताओगे, सफिशियंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट विल बी ऑकर, अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्या होगा AS29 का रेफरेंस देना है, फिर फैट्स तुमको बताना है कि ये कौन सा फॉल हो रहा है, Category 1 है Category 2 है Category 3 है, तो ये केस कौन सा है Category 1, तो तुमको बताना है कि इवेंट बिकम नोन टू द ऑडिटर बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर हैज टू परफॉर्म द प्रोसीजर एज पर Category 1 जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म करनी रहती है अकॉर्डिंगली, ऑब्लिगेशन तुम्हारा AS4 में AS29 में कोई प्रोविजन रिलेटेड है तो वो भी तुमको रेफरेंस दोगे, एंड रिक्वेस्ट करना है मैनेजमेंट को टू एडजस्ट द 1.5 करोड़ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अमूधान वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, देखो एक बार रीड करो फटाफट। हाँ सर, ये जो है वो एडजस्टिंग इवेंट रहेगा, 5008 करोड़ जो मिलेगा और उसे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना पड़ेगा। तो ये जो इवेंट हुआ ये कब हुआ है, 6 मई को ना, 6 मई को कम्युनिकेशन आया तुमको 5.5 करोड़ का, 5,500 करोड़ का करीब करीब पेंडिंग है ये ऑन अकाउंट ऑफ इंसेंटिव पर्टेनिंग टू 17-18 का ये, ठीक है, तो 17-18 में अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ। ऑडिट रिपोर्ट साइन कब हुई है तुम्हारी? 4 मई को, और ये पता चला कब है यस सर, तुमको? 6 मई को। कौन से कैटेगरी में आ रहे? ऑडिट रिपोर्ट सर ये थर्ड वाला, थर्ड वाला क्यों आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए क्या? नो नो सॉरी सॉरी, हाँ तो ये सेकंड वाले में आएगा सर। टू में आएगा ना? यस, बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इश्यूड। अब इस केस में ये क्या बोल रहे हैं, बोर्ड अमेंड्स द अकाउंट और अप्रूव भी कर दिया, और ऑडिटर को अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ये कंसीडर कर लो ये इवेंट को, और फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो। ये जो ऑडिट रिपोर्ट तुमने दी है इस पे हमने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए, तो वो जो सब्सिक्वेंट इवेंट रिलेटेड अमेंडमेंट्स है उसमें कुछ तुम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके अपना फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट एक इशू कर दो। तो ये बोल रहे कि बताओ तुमको मैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अपन कर सकते हैं, वी कैन इशू अ फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, अगर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो वो भी तुम कर सकते हो ऑडिट ओपिनियन में, या कोई अलग मैटर या अमेंड करना पड़ रहा है तुमको ऑडिट रिपोर्ट कुल मिला के, तो वो सब देखते हुए तुम यहाँ पे कर सकते हो। तुमको पूरा पूरा पॉइंट्स किसके लिखने हैं? Category 2 के पॉइंट्स लिखने हैं सारे के सारे। देखो मैंने क्या लिखा है, राइट पॉइंट A, B एंड C, जो Category 2 में A, B और C पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए था सबसे ऊपर की तुम्हारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, पॉइंट नंबर बी तुमको लिखना है कि भैया अगर तुमको ये बात पहले पता चल जाती तो तुम अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड कर देते, उस केस में तुमको 3 बातें और लिखनी थी, और पॉइंट नंबर सी अगर मैनेजमेंट अमेंड कर दी, क्योंकि ये केस में क्या हुआ क्वेश्चन में, मैनेजमेंट अमेंड कर दी ना अमुदान वाले क्वेश्चन में, मैनेजमेंट ने अमेंड कर दिया तो मैनेजमेंट ने अमेंड कर दिया वो वाली बातें लिखो, मैनेजमेंट अमेंड नहीं करेगी तो बात लिखने की जरूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मेरे अटेम्प्ट में आया था, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है जहाँ तक।
बोलो बोलो बोलो, जल्दी करो थोड़ा, अपन शेड्यूल से पीछे चल रहे, पता है कि नहीं। तो अब मैं तुम लोग का थोड़ा टाइम बढ़ाते जाऊंगा होमवर्क का। ऐसे 500 की सीरीज को अपना, अगर मैं बोलूँ तो सातवां दिन है फिर आज। बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। यू कैन एक्सपेक्ट टू क्वेश्चंस, दो तीन, दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ऐसे 500 की पूरी सीरीज से। बोलो भाई क्या हुआ। क्या पूछ रही है। पीक्यूआर लिमिटेड ऑल्सो गॉट सीवियरली अफेक्टेड एंड द शेड्यूल सप्लाईज ऑफ गुड्स टू एयरलाइन ऑल्सो वर नॉट मेड। ऑल्सो द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द एयरलाइन कंपनीज गॉट हिट एंड द शेड्यूल पेमेंट्स वर ऑल्सो नॉट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। तो यार तुमको ऐसे 560 तो बोला ही है, तुम ऐसे 570 भी जा सकते हो। मतलब दिमाग तुम्हारा शुरू में 570 के तरफ ही जा रहा होगा। बाद में इसने क्या बोल दिया कि एज द ऑडिटर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स वुड यू परफॉर्म टू एंश्योर डेट ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर कंसिडर्ड। तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे भाई, वही सिंपल तो है। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, मैनेजमेंट की क्या, मैनेजमेंट कैसे अंडरस्टैंडिंग लोगे कि मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इसके अलावा लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग के जो मिनट्स है वो रीड करो, मीटिंग के मिनट्स, और अपना आइडेंटिफाई तुम कैसे करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, वही सब बातें तो लिखनी है। तुम कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट कंसीडर करोगे, तुम कैसे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ताकि तुम एंश्योर कर पाओ कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आर कंसीडर्ड। मिनट्स देखूंगा, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा, मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि वो कैसे करता है आइडेंटिफाई, इंक्वायरी करूंगा उससे, खुद देखूंगा मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ इवेंट्स। क्लियर है कि नहीं, क्या हो गया, सब लोग आंसर क्यों नहीं कर पा रहे हो। यस सर। लास्ट वाला सिंपल क्वेश्चन है, फायर ब्रोकआउट वाला, एक बार देख लो क्विकली। उसके बाद अपन एक बार फटाक से फिर ऐसे 570 का ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अपने एज सच, तो यानी कवरेज वाइज अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस अपन कवर किए, तो इसी से ही इर्द गिर्द तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन आना। तो यू नीड टू एंश्योर कि यू आर ऑल्सो रिवाइजिंग क्वेश्चन, यू आर ऑल्सो रिवाइजिंग द कंटेंट, ठीक है, वाया क्वेश्चन। एक बार अपना रिवाइज हो गया प्रॉपरली तो उसको आप क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करते जाओ। एक एक स्टैंडर्ड में अपन 10 10 12 12 क्वेश्चन देख लिए अभी तक। हो गया वो फायर वाला, तो अब आ जाओ यहाँ पे ऐसे 570 वाले क्वेश्चन में। ये एमटीपी में का क्वेश्चन है, एमटीपी अक्टूबर 2023 में आया था ये। मतलब कब आया, लास्ट लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट की एमटीपी में ये क्वेश्चन है। एमजेडी लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, द कंपनी हैज लॉस्ट ओवरसीज बायर टू एशियन कॉम्पिटिटर्स विथ लोअर रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, एज अ रिजल्ट एमजी लिमिटेड हैज लॉस्ट आउट ऑन अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड द ट्रेंड हैज बिकम मोर प्रोनाउंस्ड इन द ईयर 2023-24। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको दिक्कत हो रही है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, एशियन कॉम्पिटिटर से बाय करना पड़ रहा है लोअर रॉ मटेरियल, लोअर लेबर कॉस्ट के लिए। वो जो था पुराना वो सब कम हो गया है, मतलब अब इनको लेबर कॉस्ट रॉ मटेरियल सब ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अब एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इनको सिग्निफिकेंट चंक लॉस कर लिया इन्होंने, मतलब छूट गया लॉस ऑर्डर, ऑर्डर अब आ नहीं रहे इनको। फर्दर द कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू पे इट्स क्रेडिटर, ये सारे किस बात से डील कर रहे हैं, ये सारी जो बातें ना कि मैं क्रेडिटर को पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर छूट गया, मेरे रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट बढ़ गए, रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट बढ़ गए। चलो मुझे एक एक आप बताते जाओ कौन कौन से इंडिकेटर कहाँ कहाँ पे फॉलो रहे। रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट जो बढ़ गए ये कौन से इंडिकेटर है, याद है इंडिकेटर, फाइनेंशियल इंडिकेटर थे, एक ऑपरेटिंग इंडिकेटर था ऐसे 570 में, और एक ऑपरेटिंग, ये कौन से इंडिकेटर है, लोअर रॉ मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट, बताओ। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग है,
बाकी लोग बोलो। ऑपरेटिंग बोल रही मधुलिका भी। हाँ ये रहा, ठीक है। लेबर डिफिकल्टी, शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, ये तुम्हारे क्या हो गए? ऑपरेटिंग इंडिकेटर। फिर उसके बाद एज अ रिजल्ट पीएससी लिमिटेड लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर, तो ये मेरे हो सकता है ऑपरेटिंग इंडिकेटर ही होगा। द ट्रेंड हैज बिकम मोर प्रोनाउंस्ड, फर्दर द कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू पे इट्स क्रेडिटर, ये वाला कौन सा इंडिकेटर है बोलो? आई एम नॉट एबल टू पे माई ओन क्रेडिटर, सप्लायर को पैसे नहीं दे पा रहा हूँ उधारी में माल लेके, ओके फाइनेंशियल इंडिकेटर है ये, राइट। देन इवेंट स्टैट्यूटरी ड्यूज पेबल बाय द कंपनी आर आइदर नॉट पेड और बीइंग पेड आफ्टर अ गैप ऑफ 5 to 6 months लीडिंग टू एक्स्ट्रा कॉस्ट, द कंपनी हैज स्टार्टेड लेइंग ऑफ द एम्प्लॉइज कंसिडरिंग ऑल दिस सर्कमस्टेंसेज। सीएपी को डाउट आ रहा है क्या कि भैया एंटिटी गोइंग कंसर्न में रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? ही इज स्टडिंग मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो तुमको पता है कि अगर मेरे को एज एन ऑडिटर डाउट आते हैं गोइंग कंसर्न के ऊपर, तो मैनेजमेंट फिर क्या करती है? एक मिटिगेटिंग फैक्टर बताती है कि भैया टेंशन मत लो, ऐसा ऐसा हमारा प्लान है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम ये सब करने वाले हैं जिससे कि हम गोइंग कंसर्न रहेंगे, टेंशन मत लो। तो ही इज स्टडिंग द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न बाय स्टडिंग वॉट? बाय स्टडिंग प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स कंटेनिंग टर्नओवर एक्सपेंसेस प्रॉफिट स्टेटमेंट, ये सब तुम पढ़ रहे हो। कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू ऑडिट प्रोसीजर्स बीइंग परफॉर्म बाय सीएपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलेवेंट एसे। रेलेवेंट एसे यहाँ पे क्या होगा तुमको समझ में आएगा, मैंने कभी बताया क्या कि अगर तुमको फाइनेंशियल इंडिकेटर ऑपरेटिंग इंडिकेटर दिख रहे तो तुरंत तुरंत ऐसे 570 घंटी बजनी चाहिए। घंटी बजने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन, ये ऊपर सिचुएशन जो हुई है, एंड स्पेसिफिक रेफरेंस टू द ऑडिट प्रोसीजर्स बीइंग परफॉर्म बाय सीएपी, जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की है सीएपी ने, इसके ऊपर कमेंट करो। तो एकदम ध्यान से पढ़ो जो मैंने हाईलाइट किया रेड से, क्योंकि अपने को उसी के ऊपर कमेंट करना है। कमेंट ऑन द अबाउट सिचुएशन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म की है, ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म की, वो स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न बाय व्हाट? बाय स्टडिंग द प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स। क्या लग रहा है तुमको? अच्छा ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बात कर लेते 2 मिनट। क्वेश्चन, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट जो तुम्हारा 570 है वो स्पेसिफिकली विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करता है, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करता है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान करना। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट? एज एन ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एज एन एनालिस्ट, एज ए कुछ भी तुम कर रहे हो, एज ए कुछ भी तुम बताओ, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा होता है? हाँ बोलो। बोलो 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 फटाफट बोलो, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तुमको और क्यों? सर सभी अपने अपने जगह में अपना अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं, यही बोलना चाह रहे हो क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वाई? क्योंकि वो एक्चुअल पोजीशन मतलब दिखाता है कि कैश आ रही है जा रही है, वरना बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स तो अकाउंटिंग एंट्रीज से भी बन सकता है ना। राइट। तो कुल मिला के कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, ठीक है? मैनिपुलेशन मुश्किल है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैनिपुलेशन मुश्किल है, बट प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट का हो सकता है मैनिपुलेशन हो।
अच्छा मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोग को, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। तुमको दो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, तीन में से दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूज करने, तुम कौन सा चूज करोगे? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीन में से दो चूज करना है, कौन सा चूज करोगे? बोलो बोलो, सब लोग बताते जाओ ना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट डालो कि बैलेंस शीट कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो, कौन सा दो चूज इनकम करोगे? स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। इनकम गलत स्टेटमेंट एंड ना? कैश फ्लो बोल रहे वृंदा, जितेंद्र क्या बोल रहे हो? सेम सर, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। और किसी का कोई और आंसर? दो स्टेटमेंट तुमको चूज करना है तुम्हारे एनालिसिस के लिए, बैलेंस शीट और कैश फ्लो बोल रहे धर्मेंद्र। और बाकी लोग क्या हो, बाकी लोग एक ही चूज करोगे क्या हमेशा, कि तीनों करोगे? जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई, फटाफट। जगप्रीत, प्रिया, मधुलिका, संजना, सतीश, आशी, अंतिमा, माधवी, बोलते जाओ फटाफट। सबको वही लग रहा है, बैलेंस शीट कैश फ्लो। किसी और को कुछ अलग नहीं लग रहा है? बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो मैं बता दूं, तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चूज करूंगा मैं, बताओ क्यों? बताओ क्यों? हाँ, बीएसपीएल ईएसपीएल क्या? बैलेंस शीट अकाउंट। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे हो ना? हाँ, क्यों? लेकिन क्यों? मैं भी वही चूज करूंगा, क्यों? बट तो अपने जो भी एंटिटी है उसकी मेन जो भी हालत है वो तो वही बताएंगे ना। कैश फ्लो का खाली एक ही एस्पेक्ट बताएगा, कैश करेंसी कैश प्रोसेस कितना है वो कर, वैसे ज्यादा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, से ज्यादा वर्किंग कैपिटल दिखा देगा। ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन है, वापस से सोच लो एक बार सब। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट मैं सिलेक्ट करूंगा क्यों? तीनों में से दो करना है मुझे। तुमको आंसर बता दिया मैं, लॉजिक तो सोच लो एटलीस्ट। राइट, धर्मेंद्र सही बोल रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो तुम बना ही सकते हो, तीसरा स्टेटमेंट तो तुमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, दो सिलेक्ट करोगे तो तीनों मिल जाएगा तुमको। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट सिलेक्ट करो तो उससे मिलके तुम क्या बना लोगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेना। और कैसे बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट? ऐसी तो बनता है, यस और नो? यस सर, यस यस यस। ठीक है, तो ये आजू बाजू की बातें हो गई, लेकिन मेन बात क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज, बिकॉज इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। इट प्रेजेंट्स यू द ट्रू लिक्विडिटी, कितनी चल रही है एंटिटी में, लिक्विडिटी कैसी है, कहाँ से क्या मेजर कैश इनकम कहाँ से जनरेट कर पा रही है एंटिटी। और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग कर दे, मैनिपुलेट कर दे स्टेटमेंट को। इसलिए यहाँ पे ऐसे 570 भी जो है तुम्हारा, वो पर्टिकुलरली फोकस किस पे करता है भैया? कैश फ्लोज ऑफ द एंटिटी, उस पे फोकस करना है तुमको। तुम देखोगे ऐसे 570, तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, वेयर द एंटिटी, ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स अपन देख रहे थे कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स में वेयर द एंटिटी हैज प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो फोरकास्ट। तो अपन को दो चीजें देखनी पड़ती है हमेशा कैश फ्लो फोरकास्ट में, आर ए क्या, रिलायबिलिटी, और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम बना रहे हो ना फ्यूचर के, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो प्रोजेक्शन में हमेशा तुम देखोगे तो सही कि अजम्पशन क्या ले रहे हो। अनसर्टेन कुछ भी अजम्पशन नहीं लेना है, तो अजम्पशन देखोगे और रिलायबल कितना है ये देखोगे, डेटा, डेटा की रिलायबिलिटी देखनी होती है कि जो ये डेटा से रिलेटेड अपना डेटा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है अगर, या कैश फ्लो फोरकास्ट बना है, तो वो जो डेटा से बना है वो डेटा कितना रिलायबल है, और जो तुम अजम्पशन लिए हो वो कितने अजम्पशन वैलिड है, वैलिडिटी ऑफ द अजम्पशन। तो कैश फ्लो फोरकास्ट पे बहुत ज्यादा फोकस है, और यहाँ पे भी इसीलिए अपने को क्या करना है, बताना है कि जो ऑडिटर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देख रहा है वो नहीं, क्या कैश फ्लो फोरकास्ट अपने को चेक करना है, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट।
तो इंडिकेशन इंडिकेटेड इवेंट्स और कंडीशन इन एमएसईबी मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न एसए 570 रिक्वायर्स दैट इफ इवेंट्स और कंडीशन दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट. तो अपने देखा था एमयू एग्जिस्ट है क्या, एमयू एग्जिस्ट नहीं है क्या. और उसके बाद अगर इस केस में मैं बात करूं तो अपन मिटिगेटिंग फैक्टर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एमयू दिख रहा है अपन को, मटेरियल अनसर्टेनिटी दिख रही है. उस केस में मिटिगेटिंग फैक्टर में पर्टिकुलरली अपने को कैश फ्लो फोरकास्ट देखना चाहिए, ना कि फ्यूचर प्रॉफिट प्रोजेक्शंस. एंड इसलिए अपने को एनालाइज करना पड़ेगा प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अलोन इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द कंक्लूजन ऑन द गोइंग कंसर्न असम्पशन. देयरफॉर यहाँ पे तुमको फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ कंक्लूड करना है अकॉर्डिंगली. एक बार क्विकली रीड कर सकते हो तो कर लो. सर अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए मिटिगेटिंग ए फैक्टर्स वाले, तो हमें ग्रे आंसर देना है कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड लिखना है. मतलब कि ये जो मतलब कि इन्होंने जो फॉरकास्ट दिया है बना के, तो आंसर में हम ग्रे लिखेंगे कि भाई अब फॉरकास्ट कैसा है. अगर मतलब कैश फ्लो है तो कैश फ्लो है, या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा नेगेटिव लिखेंगे कि ये फोरकास्ट पे रिलाई नहीं कर सकते. थोड़े से मतलब ज्यादा कंक्रीट एविडेंस चाहिए. नहीं तो तुमको तो क्वेश्चन में समझ में आएगा ना वो बात. तो ये ऐसे कैसे अपन से पहले से बोल सकते कि अपने को डाउट करना है कि नहीं करना है डाउट. अगर क्वेश्चन में बता रहे मैनेजमेंट की कॉन्क्रीटली की प्रॉपरली डेटा आ कहाँ से रहा है, जो अजम्पशन है वो अजम्पशन पुराना पास्ट में मैनेजमेंट ने ऐसा करके दिखाया है पहले से अगर बोल रहा है ऐसा, या मैनेजमेंट ने टर्न अराउंड करा हुआ है कभी कभार, या मैनेजमेंट ने पिछले जो एवरेज है वही एवरेज रेट है उसी का कुछ अजम्पशन लिया है जो पुराना एवरेज है, या जो बाकी इंडस्ट्री में जो अजम्पशन रेट चलता है वही अजम्पशन लेके ही मैनेजमेंट ने फोरकास्ट किया है. तो ये सब तो तुमको डाउट फिर अराइज नहीं आएगा, आना चाहिए ना उस पे. दीज आर ऑल मिटिगेटिंग. हाँ अगर ऐसा लिखा है तो ठीक है, पर अगर यही लिख दिया है कि सिर्फ फॉरकास्ट दे दिया मैनेजमेंट ने, तो तुमको लिखना तो पड़ेगा कि भैया रिलायबिलिटी देखना है मेरे को डेटा की, और अजम्पशन जो है वो वैलिडिटी देखनी है उसकी. और अगर ऐसा लग रहा है कि यस दिस इज गुड टू गो, देन या तुम बोल सकते हो कि मिटिगेटिंग फैक्टर है, और नहीं तो तुम दोनों बता दो. ओके. सिर्फ अगर इतना बोलते तो फटाफट से आ जाओ. अब लास्ट दो क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसे 570 का, फिर अपन स्टार्ट करेंगे एक बार ऐसे 540, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. मैं क्विकली पूरा स्टैंडर्ड तो नहीं जाऊंगा, गो थ्रू वापस से नहीं करूंगा. अगर फिर भी डाउट है अभी भी तो एक बार ऐसे 540 का जो वीडियो है उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो फॉर कॉन्सेप्चुअल. वॉट आई विल ट्राई हियर इज टू समराइज एंड रिवाइज. ठीक है, एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. अपन आंसर नहीं देखेंगे, अपन थोड़ा जो तुम बोल रहे थे कि जंबल्ड अप हो जा रहा है, किस क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है, उसको अपन थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश कर देंगे, जैसे अपन ने किया था क्या एसक्यूसी वन को. तो मेरा वही अप्रोच रहता था हमेशा ऐसे में, कि जब भी कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है या थोड़ा सा बाद में रिविजन में दिक्कत आ सकती है अगर ऐसा लग रहा है, तो एक बार उसको समराइज कर देना चाहिए. ठीक है, अपने एंड पे. तो वी विल ट्राई टू डू डैट, बट बिफोर डैट लेट्स कंप्लीट दिस टू क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी करो. देखो टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3, सीए सौम्या इज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एंगेज्ड इन रियरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स एंड ऑब्टेनिंग एग्स देयर फ्रॉम. कंपनी हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन 2013 से, तब से बहुत अच्छा परफॉर्म करी है. इट्स सेल्स आल्सो ग्रोन एंड द कंपनी हैड एक्सपांडेड इट्स मार्केट फ्रॉम नेटिव नॉर्दर्न स्टेट ऑफ प्रमोटर्स टू फार फ्लंग एरियाज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. पूरा एक्सपांड भी कर लिया है इसने. हाउएवर लास्ट 2 ईयर से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है. फर्स्ट ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक, पेंडेमिक में कोई खाने का होगा, चिकन विकन थोड़ी ना खा रहे होंगे तुम लोग पेंडेमिक में, राइट. एंड देन ड्यू टू रिकरेंट आउटब्रेक्स ऑफ बर्ड फ्लू थ्राइस इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर. बर्ड फ्लू हो गया तीन बार हो गया पिछले 2 साल में. कंपनी का सेल बहुत कम हो गया, 50 करोड़ से सीधा 10 करोड़ आ गया सेल. लाइफ स्टॉक भी बहुत ज्यादा मर गए बेचारे बर्ड वगैरह. अब बहुत डर लग रहा है उसको. शी इज नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द गोइंग कंसर्न असम्पशन. द मैनेजमेंट नाउ वॉन्ट्स टू स्टार्ट विद न्यू बैच ऑफ बर्ड.
तो मैनेजमेंट क्या बोल रही है, हम नया बर्ड उठा के खरीद के लेके आएंगे एंड अर्लियर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी ग्रांटेड बाय बैंक हैव आल्सो बीन रीस्ट्रक्चर्ड। तो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी जो होती है जो मैं बैंक देती है, तो ओडी फैसिलिटी हो सकता है बैंक ने कुछ रिस्ट्रक्चर किया उसको टू सपोर्ट द बिजनेस। तो ये सब जो है रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह, ये सब क्या है, इंडिकेटर है, ये सब ऑपरेटिंग इंडिकेटर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दिख रहे तुमको। शी वॉज इन्फॉर्म दैट द रिपेमेंट्स ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स आर टू बिगिन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। नो फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी हैव बीन ग्रांटेड बाय द बैंक। कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं एक्सटेंड नहीं करवाई गई है। इवन तो तुमको रिक्वायरमेंट है फ्रेश बर्ड्स खरीदने हैं तो भी तुमको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, शी वॉज इन्फॉर्म दैट द रिपेमेंट्स ऑफ द रिस्ट्रक्चर हो गया। ये कंपनी है ऑल्सो प्लान लॉन्गर क्रेडिट फ्रॉम एनिमल फीड सप्लायर। इसको तो और उधारी चाहिए, कौन देगा तुमको उधारी, उधारी चाहिए इसको, इतनी खस्ता हालत है और इसको उधारी में माल खरीदना है। कंपनी प्लान्स टू टेक एडिशनल मेजर्स टू प्रिवेंट द सेफ्टी ऑफ लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग एग्रेसिव वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स एंड मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ वेटरनरी स्टाफ, ठीक है। तो डॉक्टर वॉक्टर को बार बार बुलाया जाए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया जाए किसका, बर्ड्स का, एंड एग्रेसिव वैक्सीनेशन वगैरह सबका हो, ताकि अब ये बर्ड फ्लू वगैरह हमारा फैले ना। विलेजर्स इन सराउंडिंग एरियाज हैव अक्यूज्ड द कंपनी ऑफ स्प्रेडिंग एयर पॉल्यूशन। विलेजर्स अपने को एयर पॉल्यूशन के लिए और वो कर रहे हैं ब्लेम, तो हो सकता है हमको कभी भी रफू चक्कर करवा दे ये लोग, रेगुलेटरी एक्शन लिया जाए हमारे ऊपर। मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर हर एग्जामिनेशन। अब ये तहत इस सब के बीच में मैनेजमेंट कैश फ्लो फोरकास्ट बना रही है। डिस्कस द अप्रोच टू बी अडॉप्टेड बाय ऑडिटर इन एग्जामिनिंग द गोइंग कंसर्न असम्पशन कीपिंग इन व्यू अबव विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू कैश फ्लो फोरकास्ट। बताओ क्या लग रहा है तुमको, कोई हालत से ये फोरकास्ट जो तुम बनाएगी एंटिटी, ये उतने रिलायबल होंगे क्या? कोई हालत दिख ही नहीं रही उनकी, इतनी हालत खराब है। तो क्रेडिट तो क्रेडिटर उनको जो देने वाले क्रेडिट वो दे नहीं रहे, इनको उधारी में माल चाहिए। तो जो फोरकास्ट बनाने वाले कि हम नए बर्ड लाएंगे उनका सेल करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो ये फोरकास्ट में ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं आ पाएगी ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे देखोगे तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही उतने वो नहीं है ना प्रॉपरली। पुराने जो है बर्ड्स है वो मर गए हैं, सेल्स एकदम कम हो गया है, जो दिख रहा है तुमको रिस्ट्रक्चरिंग की गई है तुम्हारे वर्किंग कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक बार एक सोचोगे तो तुम्हारा लोन रिस्ट्रक्चर हुआ, कुल मिला के तुम दे ही नहीं पा रहे हो पैसा। रिस्ट्रक्चर कब किया जाता है, जब तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वो बोलेगी कि ठीक है भैया वर्किंग कैपिटल रिपे नहीं कर पा रहे हो, अगले साल से अब चालू कर देना अपना रिपेमेंट। और कुछ फैसिलिटी रिस्ट्रक्चरिंग में बताऊँ वर्किंग कैपिटल में कैसा होता है, कुछ फैसिलिटी को वो लोग शॉर्ट टर्म लोन कर देते, शॉर्ट टर्म लोन में कन्वर्ट कर देते ओडी में से। तो वर्किंग कैपिटल लोन रिस्ट्रक्चरिंग किया मतलब तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो और प्लस नया फैसिलिटी भी एक्सटेंड नहीं करवाई गई है, और ऊपर से तुमको क्या क्या करवाना है, कितने खर्चे करने तुमको और देख लो, एग्रेसिव वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, फ्रीक्वेंट विजिट बाय वेटरनरी स्टाफ, ये सब और नए खर्चे है ही तुम्हारे पीछे। विलेजर्स ऊपर से एयर पोल्यूशन का डाल दिया, और तो ये सब पॉइंट को हाईलाइट करो और इनकी ग्रेविटी बताओ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर तुमको लग रही है, जो कि तुम्हारे इम्पैक्ट करेंगे अजम्पशंस को, तुम्हारे डेटा की रिलायबिलिटी को। तो मैनेजमेंट जो अजम्पशन ले रही है कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, भैया कितने वैलिड है ये अजम्पशन, इस पे क्वेश्चन रेस करोगे तुम यहाँ पे। डिस्कस द अप्रोच टू बी अडॉप्टेड बाय हर इन एग्जामिनिंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो देखो आंसर, इन अकॉर्डिंग विद ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, इफ इवेंट्स एंड कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू डिटरमाइन, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है क्या, ठीक है। Where the entity has prepared a cash flow forecast, analysis of forecast is significant factor in considering the future outcome. तो cash flow forecast अगर entity mitigating factor बता रही है अगर, तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो cash flow forecast है उसकी reliability और assumption. तो reliability और assumption पे तुमको बातें करनी है. In the above situation, ये सब बातें तुमको conclude करनी है accordingly. एक बार quickly read करो. Then we will go to next last question. ऐसे 550 के कुछ क्वेश्चन बचे थे, वो तुम लोग एक बार होमवर्क में मार्क कर लेना, देख लेना ऐसे 550 के जो क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन कंप्लीट करो और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देख लो, ठीक है। फिर अपन बढ़ते हैं ऐसे 540 करेंगे इसके बाद। तो ये गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना, एक बार करके आओ तुम लोग अपना दिमाग लगा के, बेसिस व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, जैसे अपन ने डिवाइड किया था, ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है या मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन अप्रोप्रिएट है क्या, वो पूरा पूरा तुम लोग बाइफरकेट करोगे। एंड इसके बाद क्वेश्चंस को देखो वापस से रिवाइज करके। ऐसे 570 के क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे क्या वो वीडियो में, ये सारे क्वेश्चंस जो थे?
ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे क्या? बोलो भाई, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, एक बार तो तुम लोग इसको क्या करो, सारे क्वेश्चंस को अपने एंड पे कोशिश करो करने की, एंड ट्राई टू फिगर आउट क्या आंसर आना चाहिए, कौन सा सेक्शन आना चाहिए आंसर में. ठीक है, ये तुमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली ये वाला सेक्शन में तुमको मिलेगा आंसर कि यूज ऑफ जीसी बेसिस इज इन अप्रोप्रिएट, बट यानी गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टिनिटी है. तो उसमें तुमको फिर दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है कि अगर डिस्क्लोजर किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा तो हम कैसी रिपोर्टिंग करेंगे, और अगर डिस्क्लोजर नहीं किया मैनेजमेंट ने तो हम कैसी रिपोर्टिंग करेंगे. और अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट क्या डिस्क्लोजर के बारे में, यानी मैनेजमेंट क्या डिस्क्लोजर करता है वो भी अपने को देखना देखे थे अपन ने. तो एक बार 570 वापस से रिवाइज करके सारे क्वेश्चंस देख लेना एक बार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है 570. उतना हार्ड नहीं है स्टिल, किसी को लग रहा है अगर ऐसा सच तो अपन एक बार उसको भी ओवरव्यू कर लेंगे, बोल दो एक बार. अभी अपन आ जाते हैं ऐसे 540 में आ जाओ. ऐसे 570 में किसी को दिक्कत है क्या? जैसे ऐसे 540 का जंबल्ड अप तुम बोल रहे थे, ऐसे 570 में भी तुमको दिक्कत है क्या? बताओ, क्लियर है कि नहीं? इसका आंसर की प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आती है थोड़ी, कैसे आंसर प्रेजेंट करें. अच्छा, अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे या, और तुमको यहाँ पे आंसर्स में मोटा माटी मैंने सारे ही वैसे लिखा हुआ है, जितने आंसर में जितने चीजें डालनी चाहिए थी. जैसे यहाँ पे देखो ये वाले, इसमें जैसे क्वेश्चन देख के ये समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या-क्या लिखना है ऐसा. ऐसे 570 एकदम सिंपल है. अगर मैं बोलूँ तो अपन ने इसको बाइफरकेट किया था ना, जैसे यहाँ पे देखो, राठी लिमिटेड है डेफिनेट प्लान ऑफ इट्स बिजनेस बीइंग क्लोज विद इन अ शॉर्ट पीरियड. ठीक है, उसका शॉर्ट पीरियड में क्लोज करने का प्लान है, मतलब जीसी अप्रोप्रिएट है ही नहीं, सिंपल सी बात है. 31 मार्च 2018 हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द सेम बेसिस, सेम बेसिस मतलब विदाउट जीसी बनाया होगा. एज इट हैड बीन, अच्छा नहीं, सेम बेसिस एज इट हैड बीन इन अर्लियर पीरियड्स, मतलब उसने गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बना दिया जबकि उसको बनाना चाहिए था क्या, विदाउट नॉन गोइंग कंसर्न के बेसिस में, राइट. विद एन एडिशनल नोट दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल सीज इन नियर फ्यूचर एंड द एसेट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्लान ऑफ डिस्पोजल एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी इंडिकेट दिस एस्पेक्ट इन की ऑडिट मैटर ओनली बाय रेफरेंस एज टू पॉसिबल सेसेशन ऑफ बिजनेस. स्टैट्यूटरी ऑडिटर इसका क्या कर रहा है, सिर्फ एक रेफरेंस डाल दे रहा है की ऑडिट मैटर में कि भैया ये डिस्क्लोजर किया है मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि वो कभी भी बाद में बिजनेस बंद कर देगी, इसको हम हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं अपने की ऑडिट मैटर में. तो पूरा का पूरा ही ऑल टिगेदर गलत है. पहले तो ऐसे 570 के तहत गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर इन अप्रोप्रिएट है और तुमने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस में बनाया है तो कौन सा चीज लिखनी पड़ेगी तुमको, ये बताओ. यहाँ पे इसमें से कौन सा पॉइंट आएगा, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस जो है तुम्हारा इन अप्रोप्रिएट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने किससे है, गोइंग कंसर्न बेसिस में. तो पहला ये वाला बात आएगी ना, बोलो यस और नो, इसमें कोई डाउट है क्या? बोलो बोलो, नो. आवाज कट रही तुम्हारी, क्या बोले? हेलो,